नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बड़ी खबर आ रही है सीएम सिटी करनाल से, जहां फर्जी ईडी का अधिकारी बनकर राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रमुख उपाध्यक्ष से 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने राइस मिलर्स की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी के अन्य साथी को गिरफ्तार किया जाएगा और राशि बरामद की जाएगी। वहीं निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी प्रमोद कुमार चेक फ्रॉड सहित पहले से ही 2 मामलों में जमानत पर है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी इतने शातिर हैं कि उन्होंने पहले तो विनोद गोयल को फर्जी ईडी का सम्मन भेजा, इसके बाद गोयल को गिरफ्तारी का भय दिखाया और ईडी में टैक्स जमा कराने का दबाव बनवाया। दबाव में आने के बाद मिलर्स ने दोनों व्यक्तियों को 20 लाख रुपए विभाग में जमा कराने के लिए दे दिए। इस पर आरोपियों ने पैसे जमा कराने की फर्जी रसीद भी थमा दी। इसके बाद जब विनोद गोयल दिल्ली ईडी विभाग पहुंचे और पूछताछ की तो सम्मन और रसीद दोनों नकली निकले। इस पर उन्होंने मामले की शिकायत एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया को की। शिकायत मिलने पर एसपी ने तुरंत केस दर्ज करने के आदेश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए टू इंचार्ज निरीक्षक दीपक कुमार ने उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में टीम का गठन किया। सुरेंद्र सिंह व उनकी टीम ने एक आरोपी प्रमोद कुमार निवासी चोरपुरा थाना इंद्री को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को सोमवार को अदालत के सामने पेश कर 7 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया। निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि आरोपी प्रमोद कुमार व उसके एक अन्य साथी अजय कुमार निवासी कनिका रेजिडेंसी मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास शालीमार दिल्ली के साथ मिलकर उन्होंने ठगी की है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित विनोद गोयल ने कहा कि नवंबर माह में उसे दोनों आरोपियों ने करनाल, तरावड़ी, यमुनानगर व कैथल समेत अन्य स्थानों की पूरी लिस्ट दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि पूरे प्रदेश में सभी को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऐसे में आरोपियों के निशाने पर करनाल समेत अन्य जिलों के मिलर्स भी निशाने पर थे और उनकी मंशा थी कि मिलर्स को फर्जी नोटिस भेजकर फर्जी रसीद थमाकर करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए जाए। हालांकि इससे पहले ही इनका भांडाफोड़ हो गया। पीड़ित राइस मिलर्स विनोद गोयल ने बताया कि पहली बार जब अजय कुमार उससे मिला तो उसने खुद को पूर्व सीबीआई ऑफिसर चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस को एडीजीपी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी उसके अंडर दे रखी है, इसी दबाव में वह उनसे दब गया। गोयल ने आरोप लगाया कि वह उनकी दुकान पर भी आया था। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने कहा कि जैसे ही मामले की शिकायत मिली तो तुरंत सीआईए 2 को यह केस सौंपा गया। टीम ने अच्छा कार्य करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश की जा रही है। पूछताछ के दौरान यह पूछा जाएगा कि इस खेल में अन्य आरोपी कौन कौन शामिल है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। आगे जाए, इसने पैसे भी दिए हैं किसी और भी, इसका एक पार्टनर है, एके सिंह है दिल्ली का एक, तो उसको भी अरेस्ट करेंगे। और लोगों से यही अपील है कि जो भी मतलब इंक्वायरी है वो ईडी के ऑफिस में जाके ही करें। भाई बाहर ही बाहर लोग मामला दबाने के लिए पैसे दे के समझौता कर लेते हैं, गलत है। तो पैसे बरामद हुए सर इससे? पैसे है, इसको कल आज हमने पेश करके रिमांड पे लिया है, दुराने रिमांड। तो 20 लाख रुपए किस एवज में मांग रहा था सर? ये 20 लाख आपके पीवी जो पीछे फिजिकल वेरिफिकेशन राइस मिलर्स की चल रही थी, भी आपके यहाँ घोटाला पाया गया है, तो उसमें इसने 20 लाख रुपए उनसे ले लिए। तो आगे हो सकता है और भी सेलर्स वालों से ब्लैकमेल किया हो? हाँ बिल्कुल, वो एके सिंह है, इसका एक और साथी, उसको भी पकड़ के किया जाएगा। और ईडी ऑफिस वालों ने बताया ऐसी एक कंप्लेंट उनके पास पहले भी आई थी ईडी के नाम से, तो उन्होंने दिल्ली में अननोन के खिलाफ एक कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज करवा रखी है, उसमें भी इनकी पूछताछ की जाएगी। क्या नाम है शख्स का, कहां का रहने वाला है? एके सिंह है, वो दिल्ली का है, ये चोरपुरा करनाल का है। और इसके साथ एक और गिरफ्तार किया, फरार है? फरार है, उस पर अभी आज हम जाएंगे उसको तलाश में। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।